बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो न्यू सेशन 2022 और 2023 का जो सेशन है, इस सेशन का डिलीटेड सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा आपका, चैप्टर वाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और स्पेशल बात यह है कि ये वीडियो हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारी बुक कौन होगी। तो बुक होगी आपकी विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये रहेगी आपकी हिंदी में, और इंग्लिश में होगी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, फिर मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगा। ऑफिशियल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये रहा आपका, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक क्लियरली यहाँ पे। तो देखो कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 11th 2022-23 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये आएगा आपका। चैप्टर नंबर थर्ड आएगा, चैप्टर फिफ्थ आएगा, चैप्टर सिक्स है आपका, चैप्टर सेवन है, फिर चैप्टर टेन है और चैप्टर इलेवन है। और टोटल आपकी बुक में चैप्टर इलेवन ही है, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स का आपका मैप आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे। और नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हुई है इन सभी के बारे में, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुक्स के बारे में आपको पता चल गया, जो ऑफिशियल सिलेबस है ये भी आपको पता चल गया। अब देखो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये हमारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर सेकेंड क्या है हमारा, लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। चैप्टर थर्ड रहेगा तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये भी आएगा आपका 10 मार्क्स का। चैप्टर 5 रहेगा आपका यायावर साम्राज्य यानी कि नोमैडिक एम्पायर, तो ये भी 10 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 6 रहेगा 3 वर्ग यानी कि द 3 ऑर्डर्स, ये भी आएगा आपका 10 मार्क्स का। चैप्टर 7 होगा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये भी आएगा आपका 10 मार्क्स का। चैप्टर 10 होगा आपका मूल निवासियों का विस्थापन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, ये भी आएगा आपका 10 मार्क्स का। फिर 11 चैप्टर आ जाता है आधुनिकीकरण के रास्ते पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये आएगा आपका 15 मार्क्स का। और 5 मार्क्स का जो है वो आपका मैप आ जाएगा। अब सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपका जब भी आप इस स्क्रीनशॉट को देखें तो आपको पता लग जाए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया। अब देखो मैं बुक में निशान लगवा देता हूँ कि आपका कौन कौन सा चैप्टर कटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो अनुभाग एक है, ठीक है, प्रारंभिक समाज, इसमें चैप्टर 1 जो है आपका समय की शुरुआत, ये कटा हुआ, ठीक है। अनुभाग 2 है साम्राज्य, इसमें आपका चैप्टर नंबर जो है 4, ये आपका कटा हुआ है, ठीक है। फिर अनुभाग 3 है बदलती हुई बदलती परंपराएं, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 जो है संस्कृतियों का टकराव, ये कटा हुआ है। अनुभाग 4 जो है आधुनिकीकरण के रास्ते, इसमें आपका चैप्टर नंबर 9 कटा हुआ है। और वो सभी चैप्टर कटे हुए जो काफी ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि तरीके से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो इस बार आपके लिए काफी आसान बना दी गई है। और इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 आपका कटा हुआ है, चैप्टर नंबर आपका 4 कटा हुआ है, चैप्टर नंबर आपका 8 कटा हुआ है, चैप्टर नंबर आपका 9 कटा हुआ है। यानी कि आपके जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कितने हैं, 11 चैप्टर है, 11 में से आपके 4 चैप्टर कटे हुए हैं। अब आपको मात्र 7 चैप्टर पढ़ने, यानी कि 30% आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है 2022 और 23 के सेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपके कौन कौन से जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया जो है इसका भूगोल कैसा रहा है, और भूगोल के साथ में इसका शहरीकरण का महत्व, ठीक है। मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन है लेखन कला। तो लेखन कला है, लेखन प्रणाली क्या है, लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लेखन कला का प्रयोग कैसे होता था, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। मोहरों के बारे में, वहां के लोग साक्षर थे या नहीं थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात आएगी आपकी दक्षिणी मेसोपोटामिया की। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ, वहां पे मंदिर कैसे थे, राजा हुआ करते थे या नहीं, शासन कैसे किया था। एक व्यापारिक नगर जो कि है मारी नगर, ये एक व्यापारिक नगर भी था, साथ ही साथ धीरे धीरे ये एक शाही राजधानी के रूप में भी परिवर्तित हुआ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की जो शहरी जीवन है इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उर नगर, इसके बारे में पढ़ेंगे।
वहाँ की संस्कृति कैसी थी, शहरों का महत्व कैसा था, शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी, व्यापार कहाँ कहाँ से हुआ करता था, ठीक है। और इन्हीं सभी टॉपिक्स को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी आपको मेसोपोटामिया की पढ़नी है, सिग्निफिकेंस आपको इसके पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट क्या है वर्ल्ड में, राइटिंग आर्ट, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो देखो हिंदी में आपको मैंने टॉपिक्स समझा दिए हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इन टॉपिक्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर थर्ड। थर्ड हमारा चैप्टर है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो इसमें सबसे पहले जो रोमन साम्राज्य, इसके बारे में आप देखेंगे। रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास, आर्थिक विस्तार और धर्म सांस्कृतिक नींव के बारे में। साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था, वहां पे जो लिंग के आधार पर भेदभाव था वो कैसा था, साक्षरता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, सामाजिक श्रेणियां किस तरीके की हुआ करती थी, और विकास जिस तरीके से कर रहे थे उसमें जो श्रमिक हुआ करते थे उन पर ये नियंत्रण कैसे रखते थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर परावर्ती जो पुराकाल था इसमें क्या क्या बदलाव हुए, और तीसरी शताब्दी का संकट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति है इसके बारे में पढ़ेंगे। दास्ता की संस्थाएं और इतिहासों इतिहासकार जो है उनका दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। इंग्लिश में देख सकते हैं रोमन एम्पायर के आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल फाउंडेशंस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंग्लिश में आप इजीली देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया। फिर आ जाती है आपकी चैप्टर नंबर फिफ्थ के बारे में। चैप्टर नंबर फिफ्थ है आपका यायावर साम्राज्य यानी कि नोमैडिक एम्पायर। तो इसमें आप मंगोल जो थे, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था रोमन साम्राज्य का, इसमें देखेंगे मंगोलों के बारे में। तो मंगोलों का सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में। और इसमें जो स्पेशल चीज रहेगी वो रहेगी चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान का पूरा जीवन व्रत, चंगेज खान के बाद जब उपरांत जो मंगोल आए थे उनका क्या दशा हुई थी इसके बारे में। फिर मंगोलों के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए, उससे जो विनाश हुआ उस विनाश के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ निष्कर्ष देखेंगे कि चंगेज खान और मंगोल का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। खानाबदोश जो समाज था और जो राज्य था इसके ऊपर इतिहासकारों के क्या क्या विचार है, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वही सेम चीज फिर इंग्लिश में आ जाती है नोमैडिक एम्पायर, और इसमें सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मंगोल्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बायोग्राफी ऑफ जो चंगेज खान था इसके बारे में, चंगेज खान के बाद मंगोल आया इसके बारे में आप पढ़ेंगे इस तरीके से। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। फिर आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर सिक्स, तीन वर्ग, द थ्री ऑर्डर्स। तो इसमें आप पढ़ेंगे सामंतवाद के बारे में, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ, सामंतवाद के पतन पर जो इतिहासकार हैं इनके क्या क्या विचार थे। फिर फ्रांस और इंग्लैंड में तीन वर्ग कौन कौन से, प्रथम वर्ग होता था, ठीक है, प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग में भिक्षु आते थे, मठ आते थे, चर्च और समाज, इन सभी के बारे में। दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग, इसमें मीनर की जागीर, नाइट, इनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र किसान और बंधक किसान, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या चौथा वर्ग जो था वो उदय हुआ, नए नगर और नगरवासी के बारे में, साथ ही साथ जो कैथेड्रल नगर है इसके बारे में। 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, सामाजिक, आर्थिक, इन संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और जो नई किसी प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर सिक्स, तीन वर्ग, इसमें आपको ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वही सेम चीज आपको इंग्लिश में पढ़ देनी है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे, फेडरलिज्म, इसके बारे में, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, इतिहासकारों के जो व्यूज हैं उसके बारे में। फिर फ्रांस और इंग्लैंड में थ्री स्क्वेयर्स यानी कि जो थ्री क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बारे में। क्या फोर्थ क्लास यहाँ पे बन पाई थी, क्या 14th सेंचुरी का जो क्राइसिस था इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर सेवन। चैप्टर नंबर सेवन बच्चों है हमारा यहाँ पे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो इटली के जो नगर हुआ करते थे, जिसमें रोम, वेनिस, वो और भी बहुत सारे जो नगर थे, छोटे छोटे नगर, उनका पुनरुत्थान, उनका विकास कैसे हुआ, यहाँ पर जो कलाकार थे, जो यथार्थवाद था, इसका क्या मतलब था, विश्वविद्यालय क्या थे, इनका विकास किस तरीके से हुआ था, और विश्वविद्यालय के साथ में जो मानवतावादी विचारधारा थी उसका विकास कैसे हुआ, उसका दृष्टिकोण क्या रहा है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो मुद्रण क्रांति आई, प्रथम मुद्रित जो पुस्तकें थी उसके क्या क्या लाभ हुए, मुद्रण क्रांति कैसे शुरुआत हुई, उसके क्या लाभ हुए, इसके बारे में।
महिलाएं जो थी इनकी क्या स्थिति थी इस दौरान और उनकी क्या आकांक्षाएं थी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मनुष्य की एक नई संकल्पना है यानी कि ईसाई और जो कोपरनिकस थे इनके बीच में जो एक वाद विवाद हुआ है ठीक है, एक सिद्धांत को लेकर उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर 14वीं शताब्दी में जो यूरोप था क्या इसमें पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, शुरुआत कैसे हुई, इसके दौरान क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यूरोपीय पुनर्जागरण इसकी धारणा की वैधता यानी कि यूरोपीय पुनर्जागरण पर जो इतिहासकार हैं इनका क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में आप पढ़ेंगे ठीक है। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर इन्हीं चीजों को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज आर्टिस्ट एंड रिलाइजम यूनिवर्सिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड अप्रोच, इन सभी के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 10 की बात करते हैं, चैप्टर 10 है आपका मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें उपनिवेशवाद कैसे बसा हुआ था, वो खत्म कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के जो मोगोल है वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ पर मूल निवासियों के प्रति जो धारणाएं फैली हुई थी, अमेरिका के लिए फ्रंटियर के मायने क्या थे, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनका यूरोपियों से मुकाबला कैसे किया जाता था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को, मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों किया गया और कैसे किया गया, वो सभी आप पढ़ेंगे। फिर उत्तरी अमेरिका के बारे में एक संवैधानिक अधिकार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और बदलाव की जो लहर उठी उससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़े थे, जिसका एक प्रभाव था गोल्ड रश। गोल्ड रश से क्या हुआ, उद्योगों की वृद्धि हुई। गोल्ड रश क्या था, उद्योगों की वृद्धि के बाद क्या क्या बदलाव हुए थे, इन सभी के बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल कैसा था, वहाँ के मूल निवासी कहते थे, बदलाव की कैसी लहर आई, क्या क्या परिवर्तन है और इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर वही सेम चीज आपको इंग्लिश में भी देख लेनी है। तो यूरोपियन कॉलोनिस्ट इन, या आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके बारे में था बेसिकली ये, हाँ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और सॉरी यहाँ पे जो है यूरोपियन, इसके बाद जो आपको यहाँ पे लिखना था मुझे ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, ये मैं लिखना भूल गया ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारा अब यहाँ पे अगला चैप्टर और सबसे आखिरी जो कि है आधुनिकीकरण के रास्ते, पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें देखो आप पढ़ेंगे जापान जो था इसमें सैन्यकरण किस तरीके से फैला, जापान का आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ था, जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और यहाँ पर मेजी पुनर्स्थापना कैसे हुई। और ये मेजी पुनर्स्थापना थी, इसने बहुत सारे यहाँ पे बदलाव भी किए थे, जैसे कि इसने अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रभाव पड़े थे, उसके बाद में आप पढ़ेंगे औद्योगिक मजदूरों और इनका प्रभाव क्या हुआ था, इसने जो विद्यालय शिक्षा थी इस पर भी प्रभाव डाला था, इसको भी बदलाव किया था, एक नया प्रशासनिक जो ढांचा है इसका भी इसने निर्माण किया था, इसने एक ऐसा राष्ट्रवाद बनाया जिसमें लोग जो थे उनका जापान के प्रति निष्ठा रहे, पश्चिमीकरण और परंपरा इसके बारे में पढ़ेंगे, जापान की रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। जापान का जब युद्ध हुआ और जब वो हार गया तो हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की वापसी कैसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिकीकरण के अर्थ पर जो इतिहासकार हैं इनकी क्या बहस हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चीन के बारे में, चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, चीनी साम्यवादी दल का उदय किस तरीके से हुआ था ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वही सेम चीज आपको पढ़नी है जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, पैथ टू मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो वो इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिलेबस आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, पूरा का पूरा समराइज कर लेते हैं। तो देखो चैप्टर 2nd आएगा, चैप्टर 3rd आएगा, चैप्टर 5th आएगा, चैप्टर 6 आएगा, चैप्टर 7 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। कौन कौन सा कटा हुआ है, चैप्टर आपका 1st कटा हुआ है, चैप्टर आपका 4th कटा हुआ है, चैप्टर आपका 8 कटा हुआ है, चैप्टर नंबर जो आपका 9 है ये कटा हुआ है ठीक है। फर्स्ट हट जा, हाँ फर्स्ट, फिर है आपका ये 4th, फिर है आपका
एट है आपका नाइन्थ, और उसके बाद जो आपका मार्क्स डिवीजन है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, चैप्टर सेकंड से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, हिंदी में, फिर इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर चैप्टर नंबर थर्ड से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर आपका फिफ्थ फिफ्थ है इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर सिक्स जो है इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर चैप्टर नंबर सेवन जो है इससे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके, फिर चैप्टर नंबर टेन से आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर इलेवन से आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस था वो हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ जो क्लासमेट्स हैं आपके, और कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया है या नहीं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।